हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मई शर्मा आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों एग्जाम आइडिया 51 में। और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों इसके इस चैप्टर के, और आज हम इसी पर ही डिस्कशन करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी हो गया आपका, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया एंड रेलवे हो गया, इनमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक, जिनको पता नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कि जो फर्स्ट टाइम भी सोच रहा होगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस की, तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए डायरेक्शंस के विषय में, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दिशाओं के विषय में कि कितनी दिशाएं होती हैं और कौन कौन सी दिशाएं, उनके नेम पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बताया, आपको आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली जो हमारी डायरेक्शन, जो जो हमारी दिशा होती है वो होती है नॉर्थ, जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ओके। देन इसके बाद सेकंड हमारी होती है कौन सी, आपकी देखेंगे साउथ, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में दक्षिण। देन यहाँ पर देखोगे ईस्ट, जिसको हिंदी बोला जाता है पूर्व, और एक होती है वेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम। ये जो चार दिशाएं जो हमारी होती हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इनको बोला जाता है मेन डायरेक्शन। ये हमारी होती हैं मेन डायरेक्शन होती हैं, और ये होती हैं चार प्लस, लेकिन चार और डायरेक्शन होती है दोस्तों, जिसको बोला जाता है सब डायरेक्शन बोला जाता है, जिसको सहायक दिशाएं बोला जाता है, वो होती हैं ये दो, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। देन एक ये होती है आपकी साउथ ईस्ट, जिसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, और एक ये होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। एंड लास्ट होती है हमारी जो आठवीं होती है, वो होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम, जिसको हिंदी में बात करते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग, या इंग्लिश में बात कर लें कि नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तर पश्चिम। अब ये तो डायरेक्शंस की बात हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए ये पता होना कि अगर उससे बोला गया है कि कोई व्यक्ति या वो खुद अगर वो नॉर्थ में जा रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको लेफ्ट किधर मुड़ रहा है और राइट कहाँ मुड़ना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहीं पर दोस्तों क्रिएट होती है, और स्टूडेंट्स तभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ क्लास में, और बेसिकली क्वेश्चन को मैं देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो है इसको सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। प्रॉब्लम कहाँ पर, प्रॉब्लम उनकी यही आती है कि उनको पता नहीं होता है कि नॉर्थ में अगर मैं जा रहा हूँ या साउथ में जा रहा हूँ या ईस्ट या वेस्ट कहीं पर जा रहा हूँ, तो मुझे लेफ्ट कहाँ मुड़ना है और राइट कहाँ मुड़ना है। तो इसी जो कंडीशन, ये जो प्रॉब्लम है, इसी को ही मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा, ध्यान से बात मेरी सुनिएगा कि अगर देखेंगे कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, तो उससे कहा गया है लेफ्ट मुड़ने को। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति नॉर्थ में जाएगा तो वो लेफ्ट मुड़ेगा किधर, वेस्ट पश्चिम दिशा में लेफ्ट मुड़ेगा। याद रखिएगा, हमेशा आपके सामने अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं, हमेशा ये इमेजिन करिए कि आपके सामने वाला नॉर्थ है, और आपके जो लेफ्ट में डायरेक्शन है वो वेस्ट मतलब पश्चिम में होगी, और राइट में जो डायरेक्शन होगी वो आपके आपकी पूर्व होगी, ईस्ट होगी। हमेशा ये याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे, और बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि लेफ्ट जब भी मुड़ना होगा नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर, या उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, आपको बोला गया है कि बाएं मुड़ो, तो हमेशा याद रखिएगा आप कहां मुड़ेंगे, वेस्ट की ओर मुड़ेंगे, ठीक है ना। कहां मुड़ेंगे आप, वेस्ट की ओर पश्चिम की ओर। अगर कहा गया है कि आपने राइट मुड़ो, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट मुड़ने को कहा गया है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा आप कहां मुड़ेंगे, ईस्ट में मुड़ेंगे, ठीक है। यही कंडीशन आती है आप ईस्ट की। जब आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, पूर्व दिशा में जाओगे, पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, तो जब भी आपको कहा जाएगा लेफ्ट मुड़ने को, तो हमेशा आप कहाँ मुड़ोगे, नॉर्थ डायरेक्शन मुड़ोगे। कहाँ मुड़ जाना है आपको, ऊपर की ओर जाना है, नॉर्थ जाना है, हमेशा बात याद रखिएगा, ठीक है ना। देन अगर राइट जाना है तो किधर जाना है आपको, साउथ जाना है। हमेशा जब भी आपको कोई भी डायरेक्शन दी गई और उसके बाद उसको लेफ्ट या राइट मुड़ने को कहा जा रहा है, तो हमेशा दोस्त क्या करिए मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा कि हमेशा उस क्वेश्चन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर लो, अपने आप को वहां पर बैठा लो कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बातें बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि अब हर बंदे को अपना लेफ्ट और राइट पता होता है, तो बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। देन अगर आप देखेंगे यहाँ पर साउथ में जा रहे हैं, अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, तो लेफ्ट आप किधर जाएंगे,
ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे और वेस्ट जाओगे आप राइट। अगर आपको राइट जाना है तो कहाँ जाओगे, वेस्ट में, पश्चिम में जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। देन आपको ये भी पता है कि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है और अगर आप वेस्ट की तरफ कोई बंदा खड़ा है फेस करके, तो आपके क्या है वो अपोजिट खड़ा है, ठीक है। देन अगर यहां पर देखेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में जब आप राइट जाओगे तो देखो ईस्ट में लेफ्ट कहां नॉर्थ में जा रहे थे, अब राइट कहां जाओगे पश्चिम में, तो नॉर्थ इसका अपोजिट हो जाएगा। देन यहां पर क्या जाओगे, साउथ जाओगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो डायग्राम बनाया ना दोस्तों, इसको एकदम माइंड पर कैप्चर कर लो, आंखों से फोटो खींच लो, ठीक है ना। ये माइंड पर आपके होना चाहिए, आपके जब भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखे, तो क्वेश्चन तो दिखेगा दिखेगा, प्लस साथ में क्वेश्चन के बगल में आपको ये जो डायग्राम है ऑटोमेटिक वहां पर बनना चाहिए, आपके माइंड पर क्रिएट होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे, तो ये बात समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते, कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन, इस पर हम लोग आते हैं। देखेंगे, जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि नरेंद्र रन 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब ये नरेंद्र जो है वो 5 किलोमीटर किधर जाता है, ईस्ट जाता है। कहाँ पे जा रहा है दोस्त, पूर्व में जा रहा है, वो 5 किलोमीटर पूर्व में जा रहा है फ्रॉम हिज होम, अपने घर से। देन कहता है ही देन टेक अ लेफ्ट टर्न, और कहाँ लेता है वो, एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड रन 5 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड रन 10 किलोमीटर, और वह फिर दोबारा अपने एक दाया मोड़ पर मुड़ता है, मतलब दाया टर्न लेता है, ठीक है ना, और 10 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कहता है ही देन टुक अ टर्न टूवर्ड्स द साउथ। अब देखो डायरेक्ट बोल दिया कि उसने क्या है, वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, और कितना जाता है 15 किलोमीटर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज करंट लोकेशन। कह रहा है कि उसके घर से और जहां पर वो अब पहुंच गया है, जाकर वो स्टॉप हो गया है, कहां पर, दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर जाकर वो रुक गया है, तो उसके घर से अब जहां पर वो रुका है उनके बीच की दूरी कितनी है, आपसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर, देखो दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि नरेंद्र रन 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, कहां पे जाता है, पूर्व में। मान लिया भाई ये इसका घर है, एक छोटा सा आसियाना है इसका, छोटा सा घर है इसका, ठीक है। यहां से निकला ये और निकल के किधर गया दोस्त, ईस्ट डायरेक्शन में। देखो मैंने बताया ना ईस्ट कहां जाना है, इधर जाना है, ईस्ट डायरेक्शन गया, ठीक है ना। अब यहां पर ईस्ट जा रहा है, कितना चलकर जा रहा है, देखो जरा 5 किलोमीटर कितना चल के जा रहा है, 5 किलोमीटर। देन अब यहां से क्या कहता है कि ही टेक अ लेफ्ट टर्न, क्या लेता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है। मैंने बताया था आपको लेफ्ट टर्न किधर लेना होगा, आपको ऊपर लेना होगा, कहाँ लेना होगा, ऊपर। देन यहाँ से आप लेफ्ट टर्न किधर लेंगे, आप ऊपर लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे कितना जाएंगे आप, 15 किलोमीटर जाएंगे। तो ऊपर कितना जाता है वो, 15 किलोमीटर जाता है, याद रखिए कितना जा रहा है दोस्त, 15 किलोमीटर। देन यहाँ से क्या कहता है कि ही देन टेक अ राइट टर्न। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब नॉर्थ में जाने के लिए अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं, तो आपको राइट टर्न कहाँ लेना होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो देन आपको ये पता चल गया हो कि अब ये 10 किलोमीटर कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा, और आपको पता है पूर्व आपके राइट में होती है, आप अगर ऊपर जा रहे हैं राइट आप इधर मुड़ोगे, तो वो अब यहाँ जाता है, कितना चलकर जाता है, 10 चल के जाता है। बात समझ में आ गई, यहाँ 10 जा रहा है, अब वो फिर ईस्ट में जा रहा है, अब वो फिर ईस्ट में जा रहा है। अब कहता है कि देन ही टुक अ टर्न टूवर्ड्स देन साउथ, अब वह कहाँ जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है, और कितना जाता है, 15 किलोमीटर। देन देखो तो सिंपल सी बात है, 15 एक इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ये 15 इक्वल डिस्टेंस ने कवर किया, कहने का मतलब है कि जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के गया कितना, 15 चल के गया, और इस पॉइंट से वो साउथ में जा रहा है कितना, 15 किलोमीटर चलकर। अब देखो एक बन गया ना, एक रेक्टेंगल बन गया ना, या फिर रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर होती हैं। ये 15 ये 15 तो ये 10, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर की हो जाएगी। कहने का मतलब है ये इसका क्या हो गया, एक लास्ट पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया दोस्त, बताइए, ये लास्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर रुक गया ना, इसके बाद तो कहीं जा नहीं रहा है। अब बताना है हमें क्या है कि इसके घर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इजिली नहीं बता सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चला कितना चला, 5 चला, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दोस्त, 10। तो टोटल अगर हम देखेंगे 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर ऐड कर दोगे, आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो देखेंगे ऑप्शन हमारा कहाँ पर, देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा, कि उसके घर से उसकी जो करंट लोकेशन जो लास्ट पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 किलोमीटर। क्लियर हो गया, इजिली क्वेश्चन होता है, बस मैंने क्या जो बताया आपको, मेरी बात को कंसिडर करिए, अपने माइंड पर रखिए, बहुत ज़्यादा इजिली हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ये मैं एज अ फ्रेशर को देख के मैं बता रहा हूँ, मैं
जितने हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं पहली पहली बार SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी करें, ठीक है ना। तो डॉ अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, बेसिक पता होना चाहिए हमें। बेसिक्स पता है तो इससे ज़्यादा भी हाई लेवल के जो डायरेक्शन के क्वेश्चन हमारे बैंकिंग में आते हैं तो वो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देन आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर देखो कि भाई लिखा है यहाँ पे क्या है कि अर्जुन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्ड फॉर 5 किलोमीटर। कहता है कि अर्जुन अपनी यात्रा स्टार्ट करता है, मतलब अर्जुन चलना स्टार्ट करता है और वो क्या करता है कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। कहाँ जाता है? उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि भाई मान लिया भाई ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से किधर गया वो? उत्तर की ओर गया, ऊपर गया। ऊपर कितना चल के जा रहा है दोस्त? 5 किलोमीटर चल के जा रहा है, ठीक है ना। 5 किलोमीटर ऊपर चल के गया और आपको पता है वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है। अगर वो राइट मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? आपका राइट। अब अपने अकॉर्डिंग देख लो, आप अगर सीधे जा रहे हो आपका राइट किधर है? इधर। तो यहाँ कहाँ जाएगा? ईस्ट की तरफ। और यहाँ से अगर इधर जाएगा लेफ्ट तो जाएगा वेस्ट की तरफ। कहता है कि देन ही टुक अ राइट टर्न। अब देखो राइट टर्न उसने लिया ना, राइट टर्न लिया तो किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा। और कितना जाता है दोस्त? 3 किलोमीटर। चलिए चला दिया भाई 3 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। देन अब वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। ईस्ट में जा रहा, ईस्ट में जा रहा है तो राइट कहाँ मुड़ेगा? साउथ की ओर। और लेफ्ट कहाँ मुड़ेगा? नॉर्थ की ओर। ये डायग्राम इसलिए मैंने बार बार बना रखा है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम मैंने रखा हुआ है, ठीक है। देखिएगा ही टुक अनदर राइट टर्न, ठीक है ना। अब यहाँ से दोबारा राइट टर्न लेता है तो आप ईस्ट में जा रहे हो, राइट इधर लोगे, साउथ में लोगे। और कितना जाओगे? फाइनली 5। देखो ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पर 5 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब यहाँ से अब साउथ जा रहे हो, साउथ में जाके लेफ्ट मुड़ना होगा तो किधर मुड़ोगे? ईस्ट में जाओगे ना। तो कहने का मतलब साउथ में जा रहे हो आप नीचे की ओर, अब आपको लेफ्ट मुड़ना तो किधर? ईस्ट जाओगे। और कितना जाओगे आप? 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर चल के गए, 2 किलोमीटर रुक गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वॉट इज द अर्जुन करंट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि जो अर्जुन की जो करंट जो डायरेक्शन है जहाँ पर वो रुका हुआ है ना, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा पे है। तो सिंपल सी बात है भाई, आप यहाँ से देखोगे अगर, तो यहाँ से वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है दोस्त? ईस्ट। कहाँ पर खड़ा है? ईस्ट, पूर्व में। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजिली समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अपेक्षा वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न मतलब क्या हुई? ईस्ट। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, ठीक है ना। तो वही बात है, एक ही बात है, ठीक है, मतलब पूर्व की बात हो रही है। अब वो क्या करता है कि 8 किलोमीटर जो अपेक्षा लड़की है, आप कहाँ जाती है? वो 8 किलोमीटर ईस्ट में जाती है। देन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। यहाँ से पहले कितना गया वो? कितना गई है? 8 किलोमीटर गई, ओके। देन इसके बाद क्या कहता है कि देन टुक अ यू टर्न एंड वॉक 13 मीटर। देखो यू टर्न का मतलब क्या होता है? वह यू टर्न का मतलब होता है कि वो वापस आना, नहीं कहते जात रहो यू टर्न वापस, वैसा ही आना, यू टर्न होके आना, मतलब क्या? वापस आना। अब वो यहाँ से वापस जा रही है, यू टर्न ले लिया उसने, वापस जा रही है। तो वापस जा रही है, पहले यहाँ से वापस हुई कितना जा रही? 13। तो 800 यहाँ तक वापस आ जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा 5 और चलेगी, तो ये आगे की ओर मतलब वेस्ट की ओर 5 और गई। अब वो कहाँ जा रही दोस्त? अब कहाँ जा रही है? वेस्ट की ओर जा रही है, याद रखिएगा। Then she turned south। अब दक्षिण मुड़ रही है एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब वो दक्षिण की ओर मुड़ेगी और कितना चलेगी? 4 किलोमीटर, ठीक है। इसका कहता है कि आफ्टर विच सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब यहाँ से वो किधर जाएगी? लेफ्ट जाएगी। तो लेफ्ट किधर? ईस्ट की तरफ जाएगी। यहाँ से अनदर लेफ्ट मुड़ती है और 5। देखो ये डिस्टेंस इक्वल चलेगी कि नहीं चलेगी? ये डिस्टेंस इक्वल, तो ये 5 हो जाएगी। देन इसके बाद कहता है क्या? फाइनली सी टर्न नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब फाइनली सी टर्न, ठीक है ना, नॉर्थ जाती है दोस्त, ठीक है। तो नॉर्थ जा रही है, वो कितना चलकर जा रही है? देखो 3 किलोमीटर चल के जा रही है। कितना चल के जा रही है? 3 किलोमीटर। तो देखो यहाँ से वो 3 किलोमीटर चल के गई, यहाँ पर आ गई, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3, लेकिन टोटल कितनी है? 4। तो ये दूरी और ये दूरी, ये कितनी रह गई? 1। कितनी रह गई? 1 रह गई, याद रखिएगा। ये दूरी कितनी रह गई? 1 रह गई ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाउ फॉर इज सी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका यही था ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये क्या है? इसका लास्ट पॉइंट। देन स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी कितनी बची दोस्तों?
1 किलोमीटर, देन आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, वो मैंने हथियार यहाँ पर तो बना दिया है, इसको आराम से भी यूज कर सकते हैं। बस इसको याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे डायरेक्शन के। ओके चलिए आगे आते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मण लेफ्ट हिज होम फॉर अ रन एंड रन 15 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अपने घर से क्या कहता है, देखे लक्ष्मण लेफ्ट, लेफ्ट लक्ष्मण अपना लेफ्ट, अब यहां पर क्या है कि लेफ्ट कोई डायरेक्शन नहीं है, लेफ्ट लक्ष्मण अपना घर छोड़ता है और भागता है, कहां पर, नॉर्थ डायरेक्शन में। देन यहां से वो किधर गया, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चल के गया दोस्तों, 15 किलोमीटर। देन ठीक है, ही टर्न लेफ्ट एंड टर्न एंड रन टर्न, ठीक है, अब यहां से लेफ्ट किधर जाएगा, वेस्ट में, देखो ये बना हुआ है, वेस्ट में जा रहा है, देन यहां से किधर जाएगा, वो वेस्ट में जाएगा, और कितना जाता है 10। देन कहता है ही टर्न लेफ्ट एंड 10 किलोमीटर, ठीक है, देन ही टर्न अनदर लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट लेता है, 5 किलोमीटर जाता है, तो लेफ्ट मुड़ेगा किधर मुड़ेगा दोस्त, नीचे मुड़ेगा ना वेस्ट में, तो यहाँ जाएगा देखो 5 किलोमीटर गया, ठीक है, ये 5 करके गया, ठीक है। फाइनली ही टुक अ टर्न इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में गया, देन ईस्ट में कितना चल के 10 गया, तो सिंपल सी बात है भाई, ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा, क्योंकि ये 10 ये 10, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 10। देन ये इसका हो गया दोस्त स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसका हो गया लास्ट पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है, ये इसका लास्ट पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है क्या, विच डायरेक्शन इन हिज करंट लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू हिज होम, उसके घर से जो उसकी करंट लोकेशन है वो किस दिशा में है, तो आपको पता है सिंपल सा भाई कि ये इसका घर है, ये इसका होम है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर पहुंचा है, तो यहाँ पर जाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना होगा, देन ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, उसकी जो करंट लोकेशन है उसके घर से उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमर इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कहता है जो अमर है वो अकबर से साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व, कहां पे देखो, साउथ वेस्ट कहां पे, यहां पे, और कैसे बनेगा दोस्त, ऐसे बनेगा, तिरछा आएगा, देखो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है भाई, मान लिया ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, अगर आप ऊपर जाते हो तो किधर जा रहे हो, ऊपर, आप किधर जाओगे दोस्त, नॉर्थ में, ऐसा सामने बना है, नीचे जाओगे तो किधर जाओगे, साउथ में, इधर जाना होगा किधर जाओगे आप, ईस्ट में, देन आपको अगर इधर जाना है आपको तो किधर जाओगे, वेस्ट में। देन अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है, कहता है कि अकबर, अमर जो है अकबर के किधर है, साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम में है, तो मैंने मान लिया भाई ये जो पर्सन है ये कौन हो गया, अकबर हो गया, ठीक है, ये कौन हो गया दोस्त, अकबर हो गया। अब कह रहा है कि अमर इसके साउथ वेस्ट, मतलब अमर जो है इसके यहां पर है, ठीक है, यहां पर कौन है, अमर, और कितना डिस्टेंस है दोस्त, 40 किलोमीटर, ठीक है, साउथ वेस्ट में है। अब कह रहा है क्या, एंथोनी इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन साउथ ईस्ट। अब देखो साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, याद रखिएगा कहां पर है, साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट ये इसके बीच का होगा ना, तो 40 किलोमीटर इधर है इसके, इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं, 40, यहां पे कौन है, एंथोनी, क्लियर है भाई। अब पूछ रहा है क्या कि देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथोनी विद रिस्पेक्ट टू अमर। कह रहा है कि एंथोनी की डायरेक्शन क्या है अमर के रिस्पेक्ट में, मतलब एंथोनी अमर के कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, देन सिंपल हो गया भाई, अमर ये है, अमर आपका यहां पे खड़ा है, 40-40 इक्वल डिस्टेंस है, तो देन यही तो बनेगा ना, तो ये अमर के कौन से डायरेक्शन में खड़ा है, तो देखो अमर यहां पे साउथ किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट में है, अगर ऐसे जाएगा तो किधर जाएगा, वेस्ट में जाएगा, और नीचे जाएगा तो किधर जाएगा, साउथ में, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ में, देन इधर जाएगा तो किधर जाएगा दोस्त, ईस्ट में, देन यहां से कंफर्म हो गया कि जो एंथोनी है वो अमर के ईस्ट में खड़ा है, पूर्व दिशा में खड़ा है, देन ऑप्शन नंबर आपका सी इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया, आई होप आपको आंसर भी क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन का मेथड भी क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को, कमेंट जरूर करिएगा, प्लस दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा,
हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी आपके फ्रेंड हैं, और फर्स्ट टाइम अगर क्लास करना चाहते हैं, अगर सोच रहे हैं एसएससी की तैयारी के लिए, तो उनके लिए दोस्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है क्या कि विजय जो है वो 10 मीटर दक्षिण दिशा में जाता है। सिंपल सी बात है भाई, ये कोई एक पॉइंट है, यहां से जा रहा दक्षिण, दक्षिण यहां से कोई कहाँ जाएगा भाई, नीचे तो जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग ने क्या किया, यहां से इसको 10 किलोमीटर कहाँ चला दिया, सॉरी 10 मीटर कहाँ चला दिया, दक्षिण में चला दिया। ठीक है, चलिए 10 मीटर किधर गया, दक्षिण में गया। अब कहता है कि फ्रॉम देयर ही टेक अ यू टर्न एंड वॉक 6 मीटर। अब वो यहां से यू टर्न लेता है, मतलब वापस जाता है। वो यहां से वापस जाके कितना जाता है, 6 जाता है। यहां से वो जाएगा 6, मतलब यहां, तो ये जो डिस्टेंस ऊपर की ओर गया है कितना चल के गया है, 6 चल के गया है। ठीक, इसके बाद कहता है कि देन ही लेफ्ट। अब वो लेफ्ट लेता है, लेफ्ट किधर लेगा, आपको पता है जब नॉर्थ में जाता है कोई बंदा तो लेफ्ट कहां लेता है, वेस्ट में लेता है। तो यहां लेफ्ट लेगा इस तरह से, कितना जाता है वो, 3 जाता है। समझ में आता कहीं ना, क्लियर हो रहा है, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो क्लियर होगा अच्छे से। सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा था कि यहां पर क्या है कि विजय वॉक, विजय 10 मीटर किधर गया है, दक्षिण में गया है, ठीक है ना। ये कोई एक पॉइंट मान लिया, यहां से नीचे गया है वो कितना, 10 मीटर। ठीक, अब इसके कहता है यहां से यूटर लेता है, 6 जाता है। यूटर मतलब क्या, वापस आना। तो यहां से वो वापस जा रहा है कितना, ऐसे चलकर ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कितना चल के जा रहा है, 6 मीटर, ठीक है ना। देन अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, याद रखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब नॉर्थ में जब जा रहा है, अगर वो लेफ्ट मुड़ना होगा तो किधर मुड़ेगा दोस्त, वेस्ट में, और अगर राइट मुड़ना होगा तो कहां मुड़ेगा, वो ईस्ट में मुड़ेगा। लेकिन वो कहां जाता है, लेफ्ट जाता है, मतलब वो वेस्ट में मुड़ेगा यहां से, और कितना जाएगा वो, 3 मीटर। वहां समझ में आ गया किधर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है। अब कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ हिज करेंट लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी करंट लोकेशन और उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये बताना है दोस्त। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था ना, देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर, जिसमें से 6 कवर कर चुका है, कितना बचेगा, ये 4 बचा हुआ है, ये 4 मीटर बचा हुआ है ना। अब यहां से अगर देखोगे तो नीचे साउथ जा रहे हो, और अगर देखोगे तो इधर कहां जाओगे आप, वेस्ट जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका क्या, साउथ वेस्ट। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कितना है, तो ये हमारा लग यहाँ, अब हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। देखिए ट्रायंगल पता है आपको, यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, अब यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस जो प्रमेय या थ्योरम जिसको इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, वो तो आपको पता होगी क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड अ बेस, बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है दोस्त, हमें एच निकालना है, एच निकालना है ना, मेरे पास पी दिया गया, बी दिया है, तो पी कितना है दोस्त, 4, 4 का स्क्वायर प्लस क्या लगा देंगे, बी कितना है, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन एच बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर मिल गया 5 किलोमीटर, 5 मीटर, ये आंसर मिल गया, 5 मीटर इन साउथ वेस्ट। तो आंसर कहां पर है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर दिया गया है कि 5 मीटर इन साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया दोस्त, यहां तक क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखेंगे यहां पर कह रहा है कि अजय गोज 6 मीटर इन नॉर्थ एंड टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर। कहने का मतलब कि अजय जो है वो नॉर्थ में पहले कितना जा रहा है दोस्तों, 6 मीटर जा रहा है। तो भाई चलो चला दो, ये कोई दिक्कत नहीं है, सामने डायग्राम बना है ना आपको, डायग्राम डायग्राम बना है ना, नॉर्थ का ऊपर जाना है, तो यहां से डायग्राम डायग्राम को ऊपर कर दो भाई, यहां से कितना गया वो, तिरछा बन गया, 1 मिनट, ठीक है। देखो वो यहां से किधर गया दोस्त, ऊपर की ओर गया, कितना चलकर, 6 मीटर चलकर, ठीक है।
देन अब यहां से राइट टर्न लेते हैं, नॉर्थ जा रहे हो राइट, पता है आपको, मुझे बार बार बताने जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सामने मैंने बना रखा है, इजिली कर लोगे देख के। किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा। कितना जा रहा है दोस्त? 8 किलोमीटर जा रहा है, 8 चला दो भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन वो राइट मुड़ता है। आपको ये भी पता है कि अभी वो प्रेजेंट टाइम कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। और बंधु बताओ भाई, ईस्ट में कोई बंदा जा रहा है तो किधर मुड़ेगा राइट? वो साउथ में मुड़ेगा। और कितना जा रहा है? 4। तो भैया क्या है कि 6 से तो कम जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। देन आफ्टर दिस ही टेक अनदर राइट टर्न, दोबारा राइट लेता है। अब वो किधर जा रहा है दोस्त, बोलो भाई कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है। और राइट किधर लेगा? देखो वेस्ट में। देन वेस्ट तो इधर होगा, तो कितना? 8। देखो 8 तो चल चुका था, तो 8 तो इक्वल डिस्टेंस चलेगा। यहां तक चलेगा कि नहीं चलेगा दोस्त? यहां पर आके मिल गया। ये इसका क्या हो गया? लास्ट पॉइंट। ये क्या हो गया? इसका लास्ट पॉइंट। और ये क्या है दोस्त? इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये 4, तो ये भी कितनी होगी? 4। टोटल 6 थी, ये कितनी बचेगी? 2। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन करंट पोजीशन एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। करंट पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्त। तो बताओ भाई, ये टोटल 6 थी, 4 तो कवर कर चुका है ना, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। देन 2 मीटर इज द राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, अब आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता अ रन 50 मीटर टुवर्ड साउथ। आ मतलब कोई एक पर्सन का या एक व्यक्ति का या किसी महिला, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या किधर जा रहा है वो? एक पर्सन जो है वो कहाँ भागता है? साउथ की ओर जा रहा है, रन कर रहा है। देन यहाँ से वो किधर जा रहा है? नीचे ही जाएगा साउथ ना, साउथ नीचे गया। कितना चल के गया दोस्त? 15। अब कहता है ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड रन 20। ईस्ट में चले जा रहा है, ईस्ट तो पता ही आपको किधर है, इधर है, मतलब वो ऐसे जाना होगा, ठीक है। तो किधर जाएगा? 20 जाएगा, 20 तो बहुत ज़्यादा जाएगा भाई, ठीक है, चलो इतना 20 बना दिया मैंने। देन इसका कहता है क्या कि अगेन ही टुक नॉर्थ की ओर, और नॉर्थ की तरह 15 जा रहा है, नॉर्थ की तरह दोस्त जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है 15, तो ये तो इक्वल डिस्टेंस चलेगा ना, इक्वल डिस्टेंस चला। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया दोस्त? लास्ट पॉइंट, या फिर मान ले करंट पोजीशन, ये इसकी हो गई करंट पोजीशन। और ये दोस्त क्या है इसकी? स्टार्टिंग पोजीशन। अब कह रहा है, पूछ रहा क्या है? डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो क्या बोलो बोलो बताने में दिक्कत होगी दोस्त? ये 15, ये 15, ये 20, तो ऊपर भी 20। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया भाई? बोलो बात समझ आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलते हैं, जो बेसिकली हमें जो एसएससी हो गया आपका, रेलवे एंड यूपी पुलिस, लेखपाल एंड यूपीएसआई, जो कर अभी हाल में एग्जाम हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो दोस्तों उनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, बहुत बहुत ही अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करेगा और शेयर भी करेगा, और सिंपल सी बात है, पता बाकी तो पता ही आपको, सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है, और दोस्तों तक भी पहुंचाना है। ओके, थैंक यू।